है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाएं और पॉजिटिव थॉट्स आते रहे, इट्स नॉट पॉसिबल। हम क्या होता है, हम नेगेटिव थॉट्स से डर रहे होते हैं। क्यों डर रहे होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बिठा दिया गया है कि जैसा सोचोगे वैसा हो जाएगा। ऐसा सब मानते हैं, यस और नो? जैसे घर में भी बचपन से ही हमारे दिमाग में बिठा दिया गया, शुभ शुभ बोलो, कुछ मुंह से बुरा निकल गया तो कहीं बुरा ना हो जाए, जीप पे सरस्वती ना बैठ जाए। ऐसे ऐसी चीजें हमारे दिमाग में इतनी बुरी तरीके से बैठ गई है कि थॉट्स जो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, अगर हमको समझ आ जाए थॉट्स क्या है, लेकिन जो हम उसको इतनी ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं उसकी वजह से वो थॉट्स हमारे ऊपर हावी हो। जैसे भूत एक्चुअल में नहीं है, लेकिन अगर आप उसको इंपॉर्टेंस दे दो अपने माइंड में तो ये सब चीजें ना आप लोगों के दिमाग में भर दी गई है, बुक्स से, यहां से, वहां से, हमारी अपब्रिंगिंग के थ्रू। जबकि डीपली अगर आप मेरे साथ साथ चलने को तैयार हो, जो बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब कि अगर हम चल करके देखेंगे थॉट्स क्या है तो आपको समझ आ जाएगा वो कुछ भी नहीं, ना पॉजिटिव थॉट्स कुछ है ना नेगेटिव थॉट्स कुछ है। दोनों को छोड़ करके जब आप अपनी लाइफ को जियोगे तो वो बड़ी कमाल की लाइफ है। दैट वुड बी बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जो इंट्यूशन होती है, मतलब हमें लग रहा होता है कि कुछ ऐसा होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, और वो हो जाता है, और हम क्या करते हैं, अपने इस थॉट को और रीइंफोर्स करते हैं कि मेरे सोचने से ये हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ सोच रहे हैं और हम उसके होने का वेट कर रहे हैं और जैसे ही होता है हम अननेसेसरी उसको उससे कनेक्ट कर रहे हैं। आप सड़क के साइड में बैठे हो और माइंड में सोचे चले जा रहे हो, एक रेड फरारी, रेड फरारी, रेड फरारी, और एकदम से आपको रेड फरारी दिखी तो आप क्या कह रहे हो, मेरे को पहले ही इंट्यूशन हो रही थी कि यहां पर एक लाल फरारी आने वाली है और देखो मेरे को दिख गई, मेरे अंदर कुछ साइकिक पावर्स है। दुनिया को नहीं दिखती, दुनिया की इंट्यूशन सच नहीं होती, मेरी हो जाती है। तो अब आपके लिए धीरे धीरे दरवाजा खुलता चला जा रहा है पागल खाने का, समझ लेना। मतलब ये लोग एंड में थोड़े अजीब से नजर आएंगे आपको, जैसे कि ऐसा कुछ हम मानने लग जाएंगे, जबकि एक्चुअल में क्या हुआ, क्या आपके सोचने की वजह से वो गाड़ी वहां पर आई या वो आई? नहीं भी सोचते तब भी आती, लेकिन अगर नहीं सोच रहे होते तो वो दिखती नहीं। आप ऑटो के बारे में सोच रहे होते, लेट हो गई, ऑटो 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 कहां है, ऑटो कहां है, ऑटो कहां है, तो ऑटो दिखता, वो फरारी आपके आगे से निकल जाती लेकिन दिखती भी नहीं। ये बातें सुनने में थोड़ी अलग लगेगी बाहर की दुनिया से, क्योंकि बाहर क्या है कि लोग आपको कुछ ना कुछ बेचने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी किसी भी तरीके से, क्योंकि आप क्या सुनना चाहते हो, हाँ ऐसा एक रास्ता होना चाहिए जहां से मेरे माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आए, और पॉजिटिव मतलब क्या, जो मुझे चाहिए और वो मैं सोचती रहूं, वो मेरे माइंड में होता रहे और वैसा ही मेरी लाइफ चलती रहे, जो मैं सोचूं वो हो जाए, जो मैं सोचूं वो हो जाए, बढ़ गई लाइफ, बढ़िया हो गई, समझ गए, ये आप चाहते हो। यही अगर मैं आपको अभी बोलता हूं तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी की मैं अभी कर रहा हूं, समझ रहे हो ना, मतलब कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपके पहले बिलीफ तोड़ने के लिए। फिर बड़ी सीधी सी बात कहूं, हाँ ठीक है, आपको क्या करना है, क्या चाहिए आपको, मेरे को ये चाहिए, ठीक है सोचते रहो, अच्छा सर उससे क्या होगा, अरे सोचने से सब कुछ होता है, खत्म, मेरा काम खत्म। अच्छा अब इसके बाद में, अरे आप यहाँ पे वर्कशॉप में आए हो, मेरे को 10,000 रुपए दो और सोचते रहो 21 दिन तक, और फिर देखो ये हो जाएगा आपको, हाँ बढ़िया यार मजा आ गया, मेरे को एक फॉर्मूला चाहिए था, वो फॉर्मूला मिल गया इस बंदे से, और ये बंदा कह रहा है गलत थोड़ी होगा, सक्सेसफुल है, या तो मैं कुछ ना हूं तो आप मेरे पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, मेरे पे क्वेश्चन मार्क तो लगाओगे नहीं, बस सुन करके अपना दिमाग लगाओगे नहीं और चले जाओगे, बड़े खुश हो जाओगे, सोचते रहोगे, होना धोना कुछ है नहीं, सोचने से होता तो बात ही क्या थी। अगर किसी में थोड़ा सा भी दिमाग होगा ना, वो बड़े आराम से इन सारी चीजों को समझ लेगा, किसी के बहकावे में नहीं आएगा। अगर सोचने से कुछ मिलता तो कोई बच्चा जो भूखा है कई दिनों से, भूख से तड़प रहा है, दिन में एक बार खाने को मिल रहा है, तो वो पूरे दिन सुबह से रात तक किसके बारे में सोच रहा है, खाने के बारे में, तो खाना उस तक पहुंच जाना चाहिए अपने आप या नहीं पहुंचना चाहिए? पहुंच जाना चाहिए। अगर इस थ्योरी के बेसिस पर हम इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, जिस थ्योरी को ये पूरी दुनिया सच मानती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, एक बच्चे से ज्यादा साफ सुथरे तरीके से, एक प्योर माइंड से, प्योर हार्ट से कोई क्या सोचेगा? आपके दिल से कभी ऐसी दुआ निकल सकती है कुछ पाने के लिए जैसे उस बच्चे के दिल से दुआ निकल रही है खाने के लिए?
नहीं निकल सकती, फिर भी उसको क्या खाना मिलता है? रोता रहता है खाने के लिए, कूड़े कचरे में जा करके निकाल निकाल करके खाता है। ये जो थॉट्स से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आपको बेचे जा रहे हैं सब बकवास है। अगर किसी में हिम्मत है ये सच को एज इट इज देख लेने की तो समझ जाएगा। तो सक्सेसफुल होते हैं किसी और वजह से, लेकिन उस सक्सेस को जोड़ देते हैं थॉट से और आपके माइंड में भर दिया जाता है कि सोचो और हो जाएगा और आप मान लेते हैं। कुछ बुरा होता है किसी और वजह से, जोड़ देते हैं उसको थॉट से और डरते रहते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा था, ऐसा सोच रही थी। यही तो डर है आपके, और है क्या? जब माइंड में कुछ उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं तो डर नहीं लगता है कि मैं ये सोच रही हूं कहीं हो ना जाए? और इससे मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपको जो सोचना है सोचो, बट आप कितने बुरे तरीके से फंसोगे ये समझने के लिए यू नीड टू हैव अ ग्रेट डील ऑफ इंटेलिजेंस। आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन अगर आप ये मानते हो कि मेरे सोचने से कुछ अच्छा होता है, क्या अपने आप को आप ये मानने से बचा सकते हो कि मेरे सोचने से कुछ बुरा भी होता है? इसको कहते हैं कॉइन की दो साइड्स। जबकि रियलिटी में बताऊं, सोचने से कुछ नहीं होता। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए? सोचने से पैसा मिलता है क्या? लेकिन चाहते क्या हो? हाँ, ये बात अंदर तक आपको सबको पता है, इतने बेवकूफों को इतना भी नहीं पता कि भाई सोचने से पैसा नहीं मिलता है। ये बात पता है या नहीं पता है? सोचने से नौकरी नहीं मिलती है, सोचने से छोकरी नहीं मिलती है, ये बातें पता है ना? लेकिन चाहते क्या हो? कि सोचने से मिल जाए, सोचने से लॉटरी लग जाए, सोचने से कुछ करना ना पड़े, सोचता रहूं और जो मेरे काम है वो हो जाए, मुझे कोई ज्यादा हाथ पैर ना मारने। चाहते ये है ना? ये जो आप चाहते हो ना, इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। आई नेगेटिव, इट्स आप रियलिटी को देखो कि रियल में क्या है। अगर हमारे पास कोई थॉट ही नहीं होगा तो हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, तो उस डायरेक्शन को कैसे बनाएं? थॉट से डायरेक्शन बनती है या राइट अंडरस्टैंडिंग से सही डायरेक्शन बनती है? दोनों में फर्क हमको समझ आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग को भी आप चाहो तो थॉट्स बोल सकते हो, लेकिन वो थॉट्स ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, वो राइट थॉट्स होते हैं। अगर आपके अंदर ये अंधविश्वास है, मैं यहां पे अंधविश्वास वर्ड यूज करूंगा, कि पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है, तो आपको इस अंधविश्वास से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती कि नेगेटिव थिंकिंग भी काम करती है। लेकिन अगर आप इस रियलिटी को एज इट इज देख लो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, कि आज तक आपने अपने माइंड में कितना नेगेटिव सोचा, किन किन चीजों के बारे में, किस किस लेवल पे क्या क्या नेगेटिव सोचा, कि घर वाले कहीं बाहर गए हुए तो कितना सोचा कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सब हुआ क्या? तो जब हम सोचते हैं तो उसका असर दूसरों पे नहीं होता है, इट इज अ फैक्ट। इस फैक्ट को देखो सबसे पहले। तो अब एक दूसरा इसका एंगल आता है कि जो हम सोचते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है, बट कैसे होता है? कभी ये समझा है? मैं अभी सोच रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि मैं मर जाऊं, अभी मर जाऊं, एक मिनट के अंदर अंदर मर जाऊंगा क्या? मरा, देख लेते हैं अभी एक मिनट होने में कितने सेकंड बाकी है, क्या पता। Who knows? तो नेगेटिव थिंकिंग का डायरेक्ट असर नहीं होता है आपके ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो आप डरते हो, उस डर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। नेगेटिव थिंकिंग आपका कुछ नहीं उखाड़ सकती है। जैसे मैंने अभी एक मिनट पहले बोला था कि मैं मर जाऊंगा एक मिनट के अंदर, नहीं मरा ना, लेकिन ये बोलते ही अगर मैं डर जाता, ये मैंने क्या बात किया, मुंह पे कुछ मर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, बीवी को क्या होगा, इसको क्या होगा, समझ कैसी मौत आएगी, व्हाटएवर। अगर मैं डरा तो उस डर की वजह से जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो डर डर करके सीढ़ियां उतरूंगा, डर डर करके गाड़ी चलाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो जो डरेगा वो मरेगा। कौन डरेगा? जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो डरेगा, या जो मानता है कि उस नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से कुछ होने वाला है वो डरेगा? समझ गए? हाँ, नेगेटिव थॉट्स तो सबके माइंड में आते हैं, मेरे भी आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? और जिसको हम नेगेटिव कहते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, वो थॉट्स होते हैं। आता है थॉट आने दो, नहीं आता तो मत आने दो। इसको बोलते हैं कि हमारे ऊपर थॉट्स का असर होना बंद हो गया है। थॉट्स पता है आपको क्या है? नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग। थॉट के बेस पे हम समझते हैं, बट व्हाट इज अ थॉट? जैसे यहां पर अगर मेरे हाथ में एक एप्पल हो
तो उसको देखते ही क्या थॉट आएगा आपके माइंड में? सबसे पहला मैंने बोला एप्पल, उसकी इमेज आ रही है माइंड में? हाँ, दिख रही है आपको इमेज? जबरदस्ती, यस सर। झांक के देखो अपनी ब्रेन में, दिख रहा है एप्पल? अच्छा, बड़ी शक्तियां हैं आपके अंदर तो। जबरदस्ती, मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। मैंने पूछा एप्पल जो अभी आपको दिख रहा है अपनी ब्रेन में, देख के बताओ उसका क्या रंग है? लाल। पता लग गया ना कितने बड़े झूठे हो आप। एप्पल हरा भी होता है, लाल ही क्यों? हाँ, कितनी तेजी से छलांगे मारते हो। तो व्हाट इज अ थॉट? वर्ड गिवन टू अ फॉर्म इज थॉट। वो फॉर्म नहीं दिखती है, एप्पल की फॉर्म नहीं दिखती है हमको ब्रेन में, हम वर्ड बोलते हैं। तो जो हम अपने आप को बोल रहे होते हैं वो थॉट है, वहां से थॉट पैदा होता है। थॉट्स को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप ये है कि हमको समझ आए थॉट क्या है और थॉट की शुरुआत कहां से होती है। व्हाट इज द ग्राउंड फॉर थॉट, व्हाट इज द रूट ऑफ थॉट, कहां से वो पैदा होता है? वो पैदा होता है एक वर्ड से। विदाउट अ वर्ड कैन देयर बी अ थॉट ऑफ एन एप्पल? तो सोचने के लिए, इस थिंकिंग के लिए आपको अपने आप को नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई लैंग्वेज ही फीडेड ना हो,